नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन है यह अपडेट अभी अभी आया हुआ है, ठीक है। इस नए अपडेट के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है यह जो अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं आखिरकार यह अपडेट क्यों आया है। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी नया अपडेट रहेगा आप तक आसानी से उसको पहुंचा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इस अपडेट को देख लेते हैं। दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह दोस्तों अंतिम या फिर संशोधित होने के बाद उत्तर कुंजी आंसर की यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो भी आपत्ति यहाँ पर लगाई हुई थी, सभी आपत्तियों को एक प्रश्न यहाँ पर सुधार कर सभी प्रश्नों को यहाँ पर सही करके यहाँ पर आंसर की न्यू आंसर की यहाँ पर बनाई गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आंसर की डाउनलोड करके आप अपने प्रश्न पत्र पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर आप जो है आंसर की कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर UPP की वेबसाइट पर आएंगे। जहाँ पर UPP की वेबसाइट पर आप आएंगे, आपके सामने एक जैसा यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा है, यह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, समय ऊपर जो अभी हाल ही में है सूचना यहाँ पर अपडेट हुई है दोस्तों, इसी सूचना पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यह जो सूचना है, यह सूचना में दिया हुआ है कि संशोधन अंतिम कुंजी के संदर्भ में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब दोस्तों, रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट यहाँ पर कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसके कट ऑफ पहले भी आ चुका है। देखिए, कट ऑफ देखने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। कट ऑफ कहाँ पर, यदि आप कट ऑफ देखना चाहते हैं दोस्तों, कट ऑफ का यहाँ पर पहले डाल दिया था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। अब कट ऑफ की वो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन डाला था उसके लिए हटा के इसका डाल दिया है। किसका डाल दिया है, आंसर की का यहाँ पर डाल दिया है। तो आप आंसर की कहाँ से डाउनलोड करें, हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना कि नहीं, इस अभ्यर्थी लिंक हेतु यहाँ क्लिक करें। दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पर आके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नई साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर नई स्लॉट ओपन होगी तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी रहेगी, कब इसमें एग्जाम हुआ था और कब यहाँ पर आपने ऑप्शन या फिर आपत्ति यहाँ पर जताई हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यह दोस्तों आंसर की दी है फोर पुलिस यूपी पुलिस की, ठीक है। आंसर की किस किस की दी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 18 जून को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी यहाँ पर आंसर की है। यह 19 जून वाली आंसर की है। यह 25 अक्टूबर वाली आंसर की है। यह 26 अक्टूबर वाली आंसर की है सेकंड शिफ्ट की, और 26 अक्टूबर की यह फर्स्ट शिफ्ट की है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर पांचों शिफ्ट में जो पेपर हुए थे वह पांचों शिफ्ट की यहाँ पर आंसर की दी हुई है। तो आप इनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, आप डाउनलोड करने के लिए देखिए, जैसे ही आप किसी पर भी जाएंगे आप इस पर आपको क्लिक ही करना है। केवल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। कोई भी जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वह डाउनलोड हो जाएगी, और दोस्तों डाउनलोड होने के बाद यह ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगी। आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, यह जो दोस्तों दिख रही है, यह जो आंसर की कब की है, 18 जून की है, ठीक है। 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पर आंसर की है। और दोस्तों, इसमें लगभग कितने 24 सेट दिए हुए हैं, जितने भी 24 पेज हैं 24 यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। यह टेस्ट सीरीज अलग अलग है, जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर दूसरा टेस्ट है सीरीज है, इसके बाद आएगा देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर वाली, और इसके बाद साथ ही यहाँ पर 24 पेज में दी हुई है, यानी कि लगभग यहाँ पर 24 टेस्ट सीरीजों की यहाँ पर बुकलेट की आंसर की दी हुई है, सब में लास्ट में है 24 की, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे एक एक करके आप सभी को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपको करनी है, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पर डाउनलोड कर, जब आपका पेपर हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका 18 जून को हो तो आप दिवाली कर सकते हैं, 19 जून का होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, और यदि 25 अक्टूबर का आपका पेपर हुआ होगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और 26 वाले इसको करेंगे, और 26 से फर्स्ट शिफ्ट वाले इसको डाउनलोड करेंगे, और इसको डाउनलोड करके आप अपना जो नंबर है वह फाइनल नंबर देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं। और आप फाइनल देखने के बाद जो कट ऑफ पहले इन लोगों ने अपलोड की थी उस कट ऑफ के हिसाब से अपने आंकलन कर सकते हैं। देखिए, मैं कट ऑफ फिर से एक बार आपके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जनरल वालों की थी 225 कट ऑफ थी, कितनी
जनरल वालों की थी 225 और यहाँ पर ओबीसी वालों की कितनी थी, ओबीसी वालों की यहाँ पर थी 216 कट ऑफ थी, ठीक है, ओबीसी वालों की 216 और यहाँ पर एससी वालों की सी एससी वालों की थी यहाँ पर दोस्तों 187, कितनी एससी वालों की थी 187 और यहाँ पर एसटी वालों की बात करें तो एसटी वालों की थी 153, ठीक है, कितनी 153 थी एसटी वालों की। और सभी ऑल ऑफ और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेटों की यहाँ पर कितनी थी, फीमेल वालों की थी दोस्तों यहाँ पर 199.5, ठीक है। ठीक है, इन पे वन फीमेल की कितनी थी, 199 थी, ठीक है, 199.5 थी, ठीक है, इसकी कट ऑफ थी। तो दोस्तों इसके न इसके समथिंग यदि आपके नंबर आते हैं तो आप यह मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन जो है वह कंफर्म हो गया है फिजिकल के लिए, ठीक है, यह कंफर्म मान के ही चलिएगा यदि आप इसके कट ऑफ के समथिंग में हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नया अपडेट आएगा आप तक जल्दी से जल्दी उसको पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।